फोन पे पर भी अभी से आप लोगों को मिलेगा लोन का सर्विस। ओके ऑल राइट दोस्तों, फाइनली फोन पे पर भी लाइव हो चुका है लोन का सर्विस। मतलब जो लोग फोन पे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनको मतलब यूपीआई का दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ फोन पे ही पसंद है, वो लोग ज़्यादातर अपना फाइनेंशियल जो नीड होता है, लाइक किसी को पैसा भेजना है, इंश्योरेंस वगैरह, रिचार्ज वगैरह, सब कुछ फोन पे के माध्यम से करते हैं। उन लोगों के लिए बढ़िया खुशखबर है, फोन पे पर भी अभी से आप लोगों को मिलेगा लोन का सर्विस। वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा, कुछ अनोखा जानकारी मिलेगा। हालांकि ये लोन आप लोगों को फोन पे के माध्यम से डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन लोन मिलने का पीछे फोन पे का हाथ तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। वही चीज़ें आज मैं आप सबके साथ एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा बहुत ही छोटा ड्यूरेशन के अंदर। सो हाय एवरीवन, आप सबको फिर से और एक नया वीडियो पर स्वागत है। मेरा नाम है तरुण राज और हमेशा हूँ आप सभी के साथ। सो गाइज, आप लोग देख लीजिए, मैं इस जगह पर फोन पे को ओपन कर लिया हूँ और इस प्रकार का एक सेक्शन जहाँ पर बहुत अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट का ऐड चलता है। जैसे कि मेरे स्थिति में अभी IDFC का एक ऐड है, उसके अलावा बजाज का जो EMI कार्ड है उसका भी एक ऐड है, साथ में कोटक महिंद्रा बैंक का सेविंग्स अकाउंट का भी ऐड है जो अकाउंट वेरिएंट है कोटक 811, और साथ में एक लोन का भी ऐड है। आप लोग देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर पूरा लाइव दिखा दूं और मैं अभी प्रेजेंट हूँ फोन पे एप्लीकेशन पर। ओके, ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर बताया गया है फोन पे के माध्यम से आप लोग ले सकते हो लोन, लेकिन ये लोन आप लोगों को फोन पे प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि फोन पे एप्लीकेशन पर नाभी का एक ऐड शो हो रहा है। मतलब फोन पे का सर्विस अभी इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, ऐड भी हम लोगों को दिखने के लिए मिल रहा है, और इसी ऐड के माध्यम से आप लोग अपना फोन पे पर बहुत सारा डिटेल्स देते हो। जैसे कि अगर अपना फुल KYC वाला फोन पे अकाउंट है, सो अपना KYC डेटा फोन पे के पास है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ऐड दिखाया जाता है, ठीक है। सो जब आप लोग लोन लेने के लिए जाएंगे, इस प्रकार का लोन का ऐड वगैरह शो होगा, जैसे कि इस टाइम को नाभी का शो हो रहा है। सो हम इसके ऊपर क्लिक कर देना तो ये सीधा आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर आके आप लोग चाहे तो नाभी ऐप को अपने डिवाइस पर इंस्टॉल करते हुए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि प्ले स्टोर पर आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि ये जो नाभी लोन ऐप है ये किस प्रकार से काम करता है, इसका सर्विस क्या है। जैसे कि इस जगह पर बहुत सारा चीज़ें बताया गया है कि आप लोग चाहे तो इस नाभी एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले सकते हो, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस का सर्विस प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत सारा चीज़ें। मतलब फाइनली फोन पे पर भी लोन का सर्विस आ चुका है, बस आपको ऐड के माध्यम से आ जाना है। और ये जो नाभी एप्लीकेशन है इसका भी ऐड सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चलता है। उम्मीद है कि ऐप तो अच्छा ही होगा, अभी तक मैं अप्लाई करके नहीं देखा हूँ, बस मुझे जानकारी मिला, मैं आप सबके साथ शेयर कर दिया हूँ कि फ़ोन पे के माध्यम से आप लोगों को अभी लोन मिल रहा है। हालांकि डायरेक्ट फ़ोन पे आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि फ़ोन पे कोई लोन कंपनी फ़िलहाल नहीं बना है, आगे जाके बन सकता है। लेकिन फ़ोन पे के थ्रू अगर आपको नाभी एप्लीकेशन के माध्यम से लोन मिलता है तो कहीं ना कहीं फ़ोन पे का थोड़ा बहुत क्रेडिट तो जरूर होता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि फोन पे के माध्यम से लोन लेना एक तरफ से भाई पॉसिबल है। सो गाइस, बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे इस प्रकार का नया शानदार और कमाल एपिसोड के साथ। आज के लिए गाइस बाय बाय।